हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक और वेलकम इफ यू न्यू। मेरा नाम है निया और आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, जैसा कि आपने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा, मेरा मिड वीक क्लीनिंग रूटीन। देखिए, मोस्टली जो मेरी क्लीनिंग होती है ना, वो सैटरडे और संडे को फिनिश हो जाती है, बट ऐसा तो है नहीं कि पूरा वीक फिर आप क्लीन ही नहीं करते हो। तो मिड वीक दैट मीन्स वेंसडे को मैं कैसे क्लीन अप करती हूँ ना, आज इस व्लॉग में मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ कि कैसे लाइट जो क्लीन अप होता है वो मैं करती हूँ। वैसे आज लाइट क्लीन अप नहीं है, थोड़ा सा हैवी क्लीन अप है, और वो कैसे है वो भी मैं आपको बताऊँगी। आज मैं बना रही हूँ पूरी और सब्जी, और स्पेशल डिश लंच में बनाने का रीज़न है कि आज मेरे बेटे का आखिरी पेपर है और वो अपना लास्ट पेपर दे के पेपर फिनिश करके आ रहा है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जब तक वो आएगा तब तक उसकी फेवरेट डिश बनाती हूँ। तो 2 o'clock हो चुके हैं, मैं अपने स्कूल से आ चुकी हूँ क्योंकि मेरे स्कूल में भी एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो मैंने डिसाइड किया है कि 1 घंटा, 3 बजे आएगा विहान, तब तक मैं आराम से लंच जो है ना वो बना दूँगी। तो सब्जी बॉयल करके मैंने आलू पहले ही रख दिए थे, बिकॉज हे, इफ़ यू आर अ वर्किंग लेडी एंड यू डोंट मील प्लान और मील प्रेप, व्हाट यू डूइंग। हाँ, सब्जी बन चुकी है। ये थोड़ी सी ना, इसमें टमाटर ज़्यादा पड़ते हैं और खट्टी खट्टी सी बनती है, तो हम टमाटर को ज़्यादा पकाते नहीं हैं। साथ में मैं बना रही हूँ मसाला पूरी, जिसमें हम डालेंगे थोड़ी सी दही, दही का पानी, मिर्ची, और मैं मीठा सोडा नहीं डालती हूँ, बेकिंग पाउडर भी नहीं डालती हूँ। साथ में घी डालेंगे और जो भी बेसिक हमारे मसाले होते हैं, जैसे कि नमक, और साथ में अजवाइन और हल्दी, धनिया पाउडर, जो भी मतलब बेसिक मसाले होते हैं। बहुत ज़्यादा मसाले हम वैसे भी नहीं खाते हैं। और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा टाइट जो है ना आटा, वो गूंध लेंगे और इसको ढक के नहीं रखेंगे, क्योंकि जब हम ढक के रखते हैं तो थोड़ा सा जो आटा हमने लगाया है वो टाइट नहीं रहता है और फिर पूरी फूली हुई नहीं बनती है। तो हम आटा साथ में ही गूंधेंगे और साथ में ही उसकी तुरंत पूरी बनाना स्टार्ट कर देंगे। सो यहाँ पर मैं आटा गूंद रही हूँ, और मोस्टली मुझे आदत है आटा जैसे कि लगा के रखने की, 10 मिनट ढक के रखने की, उससे वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। बट अभी पूरा जोर जो है ना मैंने ही लगाया, और मैंने ही इसको सॉफ्ट और एकदम बिल्कुल थोड़ा सा हार्ड भी, और यू नो पूरी बनाने लायक बनाया है। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ योर मसल। और उसके बाद पूरी मैंने बनाई है कि बेल के, जैसे 5-6 पूरी एक तरफ रख दी, फिर उनको तल लिया ऐसे, क्योंकि जब आप अकेले होते हो ना तो साथ में बेलना और साथ में तलना, थोड़ा सा तेल जो है ना वो ज़्यादा हीट अप हो जाता है। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। और यहाँ पर खाना मेरा बन चुका है, 1 घंटे से पहले ही बन गया, क्योंकि इतना ज़्यादा था भी नहीं। एंड जस्ट बिकॉज आज मैंने पूरी बनाई है, सो आई कॉल्ड माय मॉम के मम्मा मैंने पूरी बनाई है, तो आप ड्यूटी से यहीं पर आ जाना। तो मम्मा भी आने वाली हैं आज, कि जिस दिन मैं कुछ स्पेशल बनाती हूँ ना, उस दिन मैं अपनी मॉम को फ़ोन कर देती हूँ। उनका भी 4 o'clock के अराउंड उनका ऑफिस ऑफ होता है, और वो मेरा जो घर है ना वहाँ से उससे आगे की कॉलोनी में उनका घर पड़ता है, तो वो वहीं से जाती हैं, तो वो अपनी ऑटो को मेरी कॉलोनी के बाहर रोक देती हैं और फिर वो घर आ जाती हैं। सो इट्स नॉट अ बिग डील। वैसे भी वो वीक में 2-3 बार मेरे ही घर पर आ जाते हैं और शाम को चले जाते हैं, क्योंकि उनका मन नहीं लगता विहान के बिना, दैट्स वाई। तो उसके बाद मैंने क्लीन अप करना स्टार्ट कर दिया है लंच करने के बाद। एंड विहान का बैग, विहान का जो ये पेंसिल बॉक्स, इन सबको भी मैं क्लीन करके रख दूंगी, क्योंकि अभी ये लगा लो कि 15 दिन तो ज़रूर है, विहान की छुट्टियाँ हैं 2 weeks के अराउंड, और ये देखिए बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। रीज़न क्या है कि हैंकी वगैरह और विहान के जितने भी विंटर की ड्रेसेस है ना, उनको मैं फाइनली वॉश करके अभी रखने वाली हूँ, विंटर की स्कूल ड्रेस को, क्योंकि अब ये पहनने नहीं वाले हैं, और जब 5th class में वो जाएगा तो उसकी समर ड्रेस जो है वो पहन के जाएगा। तो अभी मैं इनको अच्छे से क्लीन करके और फिर इनको बेड में रख दूंगी स्टोर करके। मशीन मैंने लगा दी है, और जब तक कम से कम 3 घंटे तो ज़रूर जाएंगे ये सारे कपड़े वॉश करने में, लेकिन धूप बहुत अच्छी है तो साथ साथ में कपड़े सूख जाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। अब सडनली बहुत हैवी धूप निकलने लगी कि आप चीज़ें बाहर डालो तुरंत एकदम सूख जाती हैं। तो मोस्टली मैं रात को कपड़े धोती हूँ, बट आज कपड़े थोड़े से ज़्यादा हैं, तो मैंने सोचा कि मैं अभी जो है ना अपने कपड़ों को वॉश करने के लिए रख देती हूँ। साथ में अब मैं अपनी शीट्स वगैरह भी चेंज कर लूँगी मिड वीक में। वीक में 2 बार तो शीट चेंज हो ही जाती हैं जब आपके घर में बच्चे हों, और कई बार तो 3 बार भी हो जाती हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। और आज मैं शीट्स भी साथ में ही वॉश कर रही हूँ, क्योंकि वीकेंड पर मेरा प्रोग्राम है, विहान की छुट्टी हो गई है, तो मम्मा के घर जाने का
इसलिए अब की बार मैं सैटरडे संडे का जो क्लीनअप है वो नहीं कर पाऊँगी। दैट्स वाई मैंने सोचा है कि मैं अपना जो शीट्स वगैरह चेंज करना है वो सब आज ही करके पूरा क्लीनअप करके फिर मैं कल जो है अपनी मम्मा के घर निकल जाऊँगी और वीकेंड में वहीं पर स्पेंड करूँगी। दैट्स वाई आई एम क्लीनिंग अप थोरोली एंड अच्छे से क्लीन करके, और जब आप जाते हो बाहर और फिर जब आओ और घर एकदम क्लीन मिले ना तो उसका अलग ही मजा होता है, दैट वे यू कैन रिलैक्स। हालांकि मेरे से 10 मिनट दूर पे ही मेरी मम्मा रहती है, बट फिर भी जब आप घर से दूर जाते हो ना तो वो घर मतलब यू नो आई डोंट नो आई कांट एक्सप्लेन इट, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस फीलिंग। सो उसके बाद मैं अपनी शीट्स चेंज कर दूंगी। एंड या मुझे कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स ने पूछा था कि आर यू स्टिल कंटिन्यूइंग यूअर चैलेंज, जो मैंने चैलेंज स्टार्ट किया था। येस आई एम डूइंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स। रीज़न ये हुआ ना कि जो वो मोटिवेशन था ना एकदम रेगुलर व्लॉग बनाने का, आई वॉज रियली मोटिवेटेड और मैं हर रोज़, मतलब हर रोज़ तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे बना भी रही थी। और फिर मैंने आपको एक व्लॉग में बताया भी है कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, तो 2-3 दिन तो वो फ़ोन केयर में रहा, उसके बाद उन्होंने बोला कि वो ठीक नहीं होगा, उसके बाद मैंने नया फ़ोन बाय किया, उसके बाद अपनी सारी ऐप्स वगैरह उस फ़ोन में डाली हैं मैंने, उसके बाद उसमें जो मेरा माइक है वो चलना बंद हो गया कि उस फ़ोन में वो माइक चल ही नहीं रहा था, देन आई हैड टू बाई अ न्यू माइक। और ये सभी चीज़ें जब हुई ना तो मैं मेंटली, एक वो होता है ना कि आप मोटिवेशन में हो और यू नो यू आर डूइंग फाइन और फिर अचानक से वो ट्रैक से आप उतर जाते हो, वो वाली चीज़ हुई। हालांकि मेरी जो हैबिट जो मैंने डिसाइड की थी, जो रीसेट मैं कर रही थी अपनी लाइफ का, दैट इज़ कंटिन्यू राइट नाउ। मैं अभी भी उनमें से 80-90% हैबिट्स अपनी डेली कर रही हूँ, बट आई एम गोइंग टू बी बैक वेरी सून, बिलीव मी। बट कई चीज़ें ऐसी हुई ना तो उससे मैं थोड़ा सा डीमोटिवेटेड हो गई थी। एंड बीच में अगर आप बोलो कि 2-3 वीडियो आई हैं, वो 2-3 वीडियो स्पॉन्सर्ड वीडियो हैं। एंड आपको पता होगा चाहे कुछ भी हो जाए आपको स्पॉन्सर्ड वीडियो तो पोस्ट करनी ही होती हैं, तो इसीलिए मैंने जो 2-3 व्लॉग बनाए हैं, वीडियो बनाई हैं, वो स्पॉन्सर्ड ही थी, अदरवाइज़ आने ही नहीं वाली थी, क्योंकि मैं इतना परेशान हो गई थी ना दैट वाई एवरीथिंग इज़ हैपनिंग राइट नाउ। सो ये थी लाइफ अपडेट कि मैं इसलिए जो अपना चैलेंज था वो कंटिन्यू नहीं कर पाई। और ग्रोसरीज मैंने सैटरडे को मंगवा ली थी लेकिन फ्रूट ख़त्म हो गए थे मेरे घर में, तो फ्रूट्स मैंने अभी और मंगवाए हैं और उसके साथ में टमाटर और पनीर मंगवा लिए हैं, क्योंकि टमाटर महंगे होते जा रहे हैं तो मुझे लग रहा है कहीं पता चले फिर से 200 रुपये किलो ना हो जाए, तो मैंने थोड़े से टमाटर भी मंगवा लिए हैं और साथ में फ्रूट्स मंगवाए हैं। सो दिस इज़ माई ग्रोसरी जो मैंने मंगवाई है, और इसको भी वॉश करके हम रख देंगे अभी, ताकि जब मैं आऊँ तो सब कुछ ये हो कि ये ना हो कि मुझे अभी ग्रोसरी भी अभी मंगवानी है, क्योंकि मुझे पता है क्या होता है मेंटली, मैं जब भी घर से बाहर जाती हूँ, भले ही मैं अपनी मोम के घर जाऊँ, मेंटली मुझे लगता है दैट आई हैव बीन आउट, और मुझे थोड़ा सा मतलब जिस दिन मैं आती हूँ ना वो वाला दिन तो पूरा दिन मुझे रिलैक्स करने में जाता है, आई जस्ट डोंट नो वाई, इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग। उसके बाद मैं अपने बनाना वगैरह सब रख दूंगी, क्योंकि एक ही बनाना रह गया था, और मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं सुबह एक फ्रूट ज़रूर खाती हूँ और मोस्टली वो बनाना ही होता है, क्योंकि रुजुता दिवाकर जी को मैंने सुना था जब मैंने स्टार्ट किया था अपनी फिजिकल हेल्थ पे काम करना, और उन्होंने बताया कि सुबह सुबह अगर आप बनाना खाते हो ना दैट इज़ मिरेकुलस टू योर हेल्थ, दैट्स वाई। और विहान को ऑरेंजेस और ग्रेप्स बहुत पसंद है और ये जाने वाले हैं थोड़े दिनों में, तो मैंने ये भी बाय किए हैं, उसके लिए पनीर बाय किया है, एक जो पैकेट है वो पहले है, 2 नहीं बाय किया मैंने और एक अभी आ गया है, दैट्स वाई। सो ये हो गया है हमारा ग्रोसरी, तो हमारा फ्रिज जो है वो भी रीस्टॉक हो गया है। इतना कुछ ज़्यादा दिन मैं अपनी मामा के घर नहीं रुकने वाली हूँ, हार्डली 1 डे में भी, 1-2 दिन ऐसा कुछ प्रोग्राम है मेरा, और सब्जी को वॉश करके हम रख देंगे। और ये पीछे वाली मेरी जो बालकनी है इसमें झाड़ू तो लग जाती है पर कई बार ना मिट्टी की वजह से सफ़ेद सफ़ेद हो जाती है, तो फिर जब आप यहाँ पर बैठते हो तो थोड़ा सा मतलब डर्टी डर्टी वाली फीलिंग आती है, तो इसलिए अभी ना सर्दियों में तो इसको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि धूल मिट्टी नहीं होती थी, बट जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं वो सफ़ेद सफ़ेद बारीक धूल आनी शुरू हो गई है। सो वीक में एक बार मैं इसको क्लीन ज़रूर करती हूँ पानी डाल के, 1 बाल्टी पानी हार्डली लगता है, हार्डली लगेंगी इसमें 5 मिनट क्योंकि धूप इतनी तेज़ है ना, ये सारा पानी विद इन लाइक 10 मिनट्स सारा फिनिश हो जाएगा। और मेरी झाड़ू भी मैंने वॉश कर दी हैं दोनों, बिकॉज आई एम इन अ क्लीनिंग जोन नाउ।
थेरेप्यूटिक क्लीनिंग, यू नो कई बार आपका मन करता है अंदर से कि यू नो व्हाट, आई वांट टू क्लीन एवरीथिंग टुडे, तो वो वाला मूड हो जाता है कभी कभी, मेरा हमेशा नहीं होता है, यू नो आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। सो उसके बाद आई जस्ट लव दिस। और शाम को अभी थोड़ा सा ठंडी हो जाती है ना, रात को चांद भी प्यारा प्यारा निकल रहा है, तो कभी हम यहाँ पे बैठ जाते हैं चांद को देखने के लिए। और ये देखिए विहान का बैग भी सूख गया है, इतना धूप निकली हुई है और ऑलमोस्ट सारे ही कपड़े जो हैं वो सूखने वाले हैं। और इसके बाद डस्टिंग और जो अंदर का काम है वो रह गया है, डस्टिंग झाड़ू, और झाड़ू हो चुकी है, पोछा वगैरह अब हम लगा देंगे। उससे पहले झाड़ू के बाद ही मैं डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि जब हम झाड़ू लगाते हैं ना तो उसकी धूल मिट्टी उठती है, दैट्स वाई। और अभी उतनी धूल मिट्टी नहीं आ रही है, टचवुड, अदरवाइज मेरा जो ये टेबल है ना इस पर मुझे दिन में दो बार डस्ट करना पड़ता है, इतनी मिट्टी लग जाती है मुझे। कई मेरे फ्रेंड्स ने, मतलब फ्रेंड्स ने तो नहीं लेकिन सब्सक्राइबर जो है, डिजिटल फैमिली ही लगा लो, उन्होंने बोला है कि आप इस पर वॉलपेपर लगा लो अगर आपको वाइट कलर इतना ही पसंद है तो। मेरा जो ये बुक रैक है इस पर भी मैंने वॉलपेपर लगाया हुआ है। द थिंग इज जो मेरा स्टडी टेबल है उसका डिज़ाइन ऐसा है कि उस पर वॉलपेपर अगर मैं लगाऊंगी ना तो वो परफेक्टली नहीं लगेगा। अगर उसका सरफेस एरिया बिल्कुल प्लेन होता ना तो बहुत अच्छा लगता अगर मैं उस पर वॉलपेपर लगाती तो, बट अब अच्छा नहीं लगेगा, दैट्स वाई मैं स्किप कर रही हूँ। और मैं यही सोच रही हूँ कि इस पर पेंट कैसे करूँ, क्योंकि जैसा ये अभी है इस पर ऑलरेडी पेंट हो रखा है तो इसी के ऊपर पेंट होगा नहीं, तो आई थिंक मुझे इसको देना ही पड़ेगा जो कारपेंटर वगैरह होते हैं ना उनको। और ये विहान के एग्ज़ाम हो चुके हैं तो उसकी डेट शीट हमने फाड़ के फेंक दी है। और ये रूम जो है वो रेडी हो गया है, ऑल डस्टिंग इज़ डन, और बाकी भी मैं डस्टिंग कर दूंगी। और कपड़े भी मेरे ऑलमोस्ट क्लीन हो चुके हैं, पायदान वगैरह भी मैंने धो दिए हैं, तो लॉन्ड्री का काम जो है फिनिश हो गया है। उसके बाद हम पोछा लगाएंगे एंड क्लीनिंग का काम भी फिनिश हो जाएगा, एंड दैट्स इट। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए आप में से कितने लोग चाहते हो कि मैं दोबारा से जो मेरा रीसेट रूटीन है वो दोबारा से शुरू करूं और व्लॉग बनाना स्टार्ट करूं, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि यू नो आई एम ऑफ द ट्रैक। और दोबारा से वो चीज़ व्लॉग्स में स्टार्ट करना थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि जो सारी हैबिट्स हैं ना ये मेरे रूटीन में आ चुकी हैं अभी, एंड दिस ऑल आर यू नो दिस ऑल हैव बिकम नॉर्मल टू मी। मुझे अब उतना नहीं लगता है अजीब, ये सभी कुछ रूटीन में आ चुका है। तो मुझे कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए बहुत सारे, सो मुझे दोबारा से मोटिवेशन मिलेगा। कभी कभी मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं दोबारा से यू नो आई रियली वॉन्ट टू शूट द लाइफ रीसेट व्लॉग्स, और सच में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बट पता नहीं क्यों अब अंदर से ना वो फीलिंग नहीं आ रही है कि यार मैं, वो लगता है जैसे कहाँ से शुरू करूँ मैं दोबारा से, कौन सा डे लिखूँ। तो यू नो 30 डेज तो हो चुके हैं, उससे ऊपर ही हो चुके हैं। सो प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए, कमेंट कीजिए कि येस लेके आओ व्लॉग, लेके आओ व्लॉग, ठीक है मेरा जीना हराम कर दीजिए, फिर आपकी डिमांड पर मैं पक्का से लेके आऊँगी, ओके। और इसके बाद मैं जो मेरे कपड़े हैं उनको फोल्ड कर रही हूँ। वैसे ये काम मैंने रात को किया था, बट जब मैं इनको एडिट कर रही थी ना तब मैंने ध्यान नहीं दिया, ये क्लिप मैंने यहाँ पे एडिट कर दी, एंड एडिट करने के बाद मैंने इसको लास्ट में नहीं डाला, सोचा कोई बात नहीं यहीं पे रह जाएगी, बट ये मैंने रात को किया था। सो विहान की यूनिफॉर्म जो है ना, वो सारी यूनिफॉर्म जो भी विंटर यूनिफॉर्म है ना वो सारी मैं एक साथ ही रखती हूँ, जो भी स्वेटर और कोट है और साथ में जो इनर वियर है वो भी। रीज़न कि फिर एक साथ ही निकाली जाती है इसकी विंटर ड्रेस, ऐसा ना हो कि मैं पूरे बेड में ढूंढती घूम रही हूँ। समर ड्रेस मैं ऑलरेडी इसकी पहले ही निकाल चुकी हूँ। और मम्मी आई हुई हैं तो हम जा रहे हैं पार्क में घूमने के लिए, बिकॉज ये मेरी हैबिट में आ चुका है। और 6 o'clock मैं घूमने जाती हूँ, 7 o'clock के बाद ही आती हूँ, 1 hour के आसपास मैं वॉक कर रही हूँ डेली, एंड मतलब पूरा 1 hour मैं वॉक नहीं करती हूँ, थोड़ी देर बैठती भी हूँ, फ्लावर्स वगैरह को देखती हूँ, इन्जॉय करती हूँ, बच्चों को देखती हूँ। पर 4 to 6 rounds लगाना पक्का है मेरा, और 6 to 7 भी लग सकते हैं। सो पार्क में राउंड लगाने के बाद थोड़ी देर हमने इन्जॉय किया तीनों ने बैठ के, एंड इट वॉज नाइस। आप में से कौन कौन मेरे साथ लाइफ रीसेट कर रहा था प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और जो भी कर रहे थे उन्होंने कौन कौन से चेंजेस लेके आए हो आप अपनी लाइफ में, और कौन कौन सी हैबिट्स आप ट्रैक कर रहे थे वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और ये देखिए ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, दे आर लाइक प्लीज़ सेट विद अस, टॉक विद अस, यू नो। तो आई एम लाइक ओके, ये पल ना आएंगे दोबारा क्या पता कब कब ऐसे पल आते हैं कि आप
खुश होते हो, लाइफ में सब कुछ सही होता है और फिर आप बैठ के नॉर्मल जनरल बातें करते हो, अदरवाइज लाइफ में प्रॉब्लम चलती ही रहती हैं। सो आई हैव डिसाइडेड टू सिट हियर एंड जस्ट इन्जॉय द मोमेंट व्हेन देयर इज नो टेंशन एंड एवरीथिंग इज फाइन। एंड उसके बाद मैंने डिसाइड किया है, क्योंकि मैंने पूरी सब्जी बना ली थी तो शाम को कुछ खाना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो ही बहुत हैवी हो गया था, तो मैंने सेल्फ केयर का डिसाइड किया है क्योंकि अब गर्म दिन हो गए हैं तो मैं अपना हेयर वॉश भी रात को कर सकती हूँ। और उसके साथ में मैं पॉडकास्ट सुन रही हूँ, दैट इज़ फ्रॉम जिम रोन। जिम रोन के पॉडकास्ट आप भी सुन सकते हो, बहुत ही अच्छे पॉडकास्ट हैं इनके। और यस, ये जो क्रीम है ये कोई मतलब स्टोर बोर्ड क्रीम नहीं है, मैंने अपने पहले वाले भी एक व्लॉग में मैंने आपको बताया है, ऑयल नॉर्मल जो ऑयल होता है वो लिया है मैंने और साथ में एलोवेरा जेल लिया है और उनको अच्छे से मिक्स करेंगे ना तो वो एक क्रीम के जैसा फॉर्म हो जाता है और उसी को मैंने अपने बालों पे लगाया है। एंड देन आई एम गोइंग टू अप्लाई सम हेयर मास्क। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैंने अपना लाइफ रीसेट बंद कर दिया है, आई हैव ऑलरेडी लाइक मैंने आपको दिखाया है क्लिप्स में कि मैं अपना स्किन केयर, अपना सेल्फ केयर भी कर रही हूँ, मैं वॉक भी कर रही हूँ। और अगर आप मेरा मॉर्निंग रूटीन देखोगे उसमें भी आपको दिखेगा कि जो भी मेरी मॉर्निंग हैबिट्स थी वो भी कंटिन्यू मैं कर रही हूँ, जो भी मैंने लाइफ रीसेट में दिखाया था। एंड यस, मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं दोबारा से ट्रैक पे आऊँ और दोबारा से व्लॉग स्टाइल में लाइफ रीसेट को लेके आऊँ। एंड दैट्स इट। इसके बाद नहा के आई हैव बीन एंजॉयिंग माई नाइट टाइम विद माई सन। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो यार यू नो एज अ वर्किंग वुमेन साथ में यूट्यूब को कंटिन्यू करना, व्लॉग्स बनाना बहुत मुश्किल है, तो एक लाइक ज़रूर दे दो, शेयर कर देना जिसको इसकी ज़रूरत है उनके साथ, और अपना ध्यान रखो बहुत अच्छे से। आई लव यू ऑल एंड बाई।